हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ जीसी बिलासपुर के कैंपस में। ये कैंपस है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर का। यहाँ पे है पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो आज मैं जीसी बिलासपुर का कैंपस टूर कराऊंगा। आज संडे का दिन है इसलिए ज़्यादातर गेट्स बंद होंगे, तो मैं अंदर आपको नहीं ले जा सकता। बट किसी वर्किंग डेज में मैं आके यहाँ के लैब और बाकी सारी चीज़ों का डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये सामने है आईटी बिल्डिंग, इसको बोलते हैं आईटी बिल्डिंग। और यहाँ पे जो नए डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं ETNT, CSE और IT, ये डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं। और इधर पीछे जमीन दे दिया गया है बिलासपुर यूनिवर्सिटी को। यहाँ पे भी कुछ बिल्डिंग बन रहा है GC में। यह है IT बिल्डिंग। और यह है GC का पुराना बिल्डिंग। तो इधर है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अरे सामने का है गार्डन, सुभाष उद्यान। अरे ओल्ड बिल्डिंग। तो यहाँ सारे कोर ब्रांच यहाँ हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, ये सारे यहाँ पे हैं। और ये हुआ करता था इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर का क्लास। सामने साइकिल स्टैंड। और इधर ये जो पुराना सा दिख रहा है, ये है कॉलेज का कैंटीन। वहाँ से चले जाते हैं। बाहर से तो ये जो ओल्ड बिल्डिंग है बहुत छोटा लगता है, लेकिन अंदर जाओ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। कॉलेज के अंदर में इसका एक डमी भी रखा है। और सीधे जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे बिरकोना। तो ये जो बिरकोना रोड है वो GC के कैंपस में ही है। और ये है पंचशील हॉस्टल। फर्स्ट ईयर वालों का हॉस्टल है। चालू हो गया क्या तुम लोगों का हॉस्टल? हॉस्टल चालू हो गया तुम लोगों का? कौन सा डिपार्टमेंट है? कौन सा? सिविल। अच्छा, अभी एक रूम में एक ही रहने दे रहे हैं कि जितने रहते हैं उतने ही? अमरकंटक में भी आ गए हैं क्या लोग? अच्छा सही। और क्लासेस लग रही हैं अभी? क्लासेस लग रही हैं। कौन ले रहा है तुम लोग का? मैकेनिक्स कौन पढ़ा रहे हैं? मैकेनिक अभी इस समय नहीं, अगले समय। अच्छा, तेरा अगले समय, ठीक है। ये था फर्स्ट ईयर वालों का हॉस्टल, पंचशील हॉस्टल। अब मैं आपको दिखाता हूँ अमरकंटक हॉस्टल, जो है सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर तक का। तो इधर जो दिख रहा है आपको इस तरफ, ये है पंचशील हॉस्टल, सॉरी अमरकंटक हॉस्टल। अमरकंटक बालक छात्रावास।
है अमरकंटक हॉस्टल। बाहर से बिल्कुल पुराना दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से ऐसा नहीं है, अंदर से ठीक ठाक है। बास्केटबॉल कोर्ट तो भैया पूरा ख़त्म ही हो गया है कोविड टाइम में तो। और जीसी में जंगलों की कमी नहीं है, जिधर भी जाओ जंगल ही जंगल है। और बरसात या फिर सही मौसम रहता है तब तो कैंपस भाई स्वर्ग लगने लगता है, ऐसे फूल खिले रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये है शहीद वीर नारायण सिंह छात्रावास। आगे है गर्ल्स हॉस्टल, दो गर्ल्स हॉस्टल है, एक है अर्पा एक है बिलासा। ये फूल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सफेद रंग के फूल। स्टाफ के लिए क्वार्टर्स हैं यहाँ। और इधर है गर्ल्स हॉस्टल, तो इधर है उसका नाम है अर्पा और इधर है एक फर्स्ट ईयर वालों के लिए उसका नाम है बिलासा। और एग्जैक्टली पता नहीं अंदर कैसा है। और इधर है जीजीयू के वीसी का बंगला, ये है गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज। और अब आपको दिखा देता हूँ जो प्रोफेसर्स हैं उनका अकोमोडेशन। बाहर से तो बिल्कुल खंडहर लगते हैं, अंदर से अच्छे हैं। ये है कुलपति निवास, इस तरफ काफी सारे प्रोफेसर्स को घर दिया गया है। और एक हमारा एक ग्राउंड हुआ करता था, जीसी का एक ग्राउंड हुआ करता था उस तरफ इधर। डिस्पेंसरी भी यहीं है जीसी का। ओ भाई ये तो पूरा ख़त्म ही लग रहा है। तो ये है जीसी का डिस्पेंसरी, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। ये देखो ये तो अंग्रेज़ों के पता नहीं कौन से ज़माने का क्या है, कुछ अता पता ही नहीं है। और इधर हुआ करता था ग्राउंड, पूरा घास से भर गया है। यहाँ हुआ, यहाँ यहाँ है भी शायद अभी भी ग्राउंड है। रास्ता कहाँ से है लेकिन अब यहाँ से रास्ता है। यहाँ हुआ करता था जीपीएल, जीसी प्रीमियर लीग। ग्राउंड बहुत ही छोटा हो गया है, पहले तो ये पॉलिटेक्निक का बिल्डिंग बना नहीं था तो बहुत ही बड़ा ग्राउंड था, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड था। अभी भी छोटा नहीं है।
ये सारे जो हैं क्वार्टर्स हैं वो यहाँ के जीसी के स्टाफ्स को दिया गया है। पूरा खंडहर लग रहा है, कोविड टाइम में तो कुछ कोई रह ही नहीं रहा है। ये सब भी खाली पड़े हैं, यहाँ तो कोई रहता होगा। यहाँ से है कैंपस का एग्ज़िट। तो ये था हमारा जीसी बिलासपुर का कैंपस। काफ़ी पुराने पुराने बिल्डिंग है यहाँ, कैंपस बहुत पुराना है। 200 एकड़ से बड़ा कैंपस हुआ करता था, अब पता नहीं कितना बड़ा है। कुछ ज़मीन तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी को भी दे दिया गया है यहाँ से। तो जल्दी मैं अंदर के लैब, क्लासरूम और बाकी फैसिलिटीज़ का वीडियो बनाने आऊँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।